कोई नया मिली आ सकती है। Now, structural chromosomal anomalies which involve one or more chromosomes usually result from chromosome breakage. It has been suggested that breaks are caused by environmental factors such as viruses, radiations, drugs, but the evidence is inconclusive. लेकिन ज़्यादातर यही कहा जाता है कि रेडिएशन या वायरसेस कोई भी इन्फेक्शन हो जाए डिजीज हो जाए वो कॉमन है इसमें स्ट्रक्चरल एनामलीज ऑफ द क्रोमोसोम्स में. The result of breakage depends on what happened to the broken piece. The chromosome का कोई पीस कोई उसकी शॉर्ट चलाऊँ हम टूट गई है तो क्या हुआ. In some cases, the broken piece of a chromosome is lost and infant with partial deletion of a chromosome is abnormal. ठीक है उसका कोई एक पीस टूटा है और वो उसको वो ब्रेक डाउन हो गया फर्दर पीसीज में और वो लॉस हो गया वो एज सच एग्जिस्ट नहीं किया तो क्या होगा. Infant with partial deletion of a chromosome is abnormal. A well-known syndrome caused by partial deletion of short arm of chromosome 5 is the primary child syndrome. ठीक है short arm of chromosome 5 इसकी partial deletion या breakage होगी तो क्या होगा जो syndrome होगी उसको हम primary child syndrome कहते हैं. Affected infants have a cat-like cry, microcephaly means small head and intellectual disabilities. Congenital heart disease may be there and many other relatively rare syndromes are known to wait. Known to result from a partial chromosomal deletion. माइक्रो डिलीशन स्पेनिंग ओनली अ फ्यू कंटिन्यूस जीन. अगर तो ये जो डिलीशन या पीस ऑफ द क्रोमोसोम जो क्रिएट हुआ था अगर तो उसमें थोड़ा सा पीस थोड़ा सा क्रोमोसोम का पीस जो थोड़ी सी जीन्स को इन्वॉल्व कर रहा है हो तो मे रिजल्ट इन माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम और कंटिन्यूस जीन सिंड्रोम. साइड वेयर दीज डिलीशंस अकर इज कॉल्ड कंटिन्यूस जीन कॉम्प्लेक्सेस. दे आर यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय द फ्लोरेसेंस इन साइटू हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है ये टेक्निक होती है जिसमें ये यूज़ करते हैं. मेरा ख्याल है कि आपके लेवल की ये नहीं है कि वो टेक्निक्स की डिटेल बताई जाए. ये जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए और आइडेंटिफाइंग टेक्निक्स हैं जिसके लिए हम क्रोमोसोम की एनामलीज जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ अ माइक्रो डिलीशन अकर्स ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम. पहले हमने देखा था शॉर्ट आर्म पे ना लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 15. नॉट क्रोमोसोम्स है आपको पता ही है लॉन्ग आर्म होती है और एक शॉर्ट आर्म होती है. लॉन्ग को हम क्यू आर्म कहते हैं शॉर्ट को पी आर्म. देन द माइक्रो डिलीशन अकर्स ऑन द मैटरनल क्रोमोसोम. अगर मैटरनल क्रोमोसोम पे हो यही क्रोमोसोम 15 में लॉन्ग आर्म पे तो व्हाट विल हैपन इट रिजल्ट्स इन एंजेलमैन सिंड्रोम. एंड द चिल्ड्रन हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैनॉट स्पीक इनहिबिट पुअर मोटर डेवलपमेंट एंड दे आर प्रोन टू अनप्रोवोक्ड एंड प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ लॉफ्टर. ठीक है ये अब माइक्रो डिलीशन पिछली हमने कौन सी की थी ऑन क्रोमोसोम नंबर 5 प्राइमरी चाइल्ड सिंड्रोम. और अब माइक्रो डिलीशन अगर अगर वो ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 15 तो व्हाट विल हैपन क्या होगा वहाँ पे. और अगर जब मैटरनल साइड पे मैटरनल क्रोमोसोम में हुई है तो उसको हम एंजेलमैन सिंड्रोम कहते हैं. चिल्ड्रन जो है उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी वो एंड दे कैनॉट स्पीक एग्जिबिट पुअर मोटर डेवलपमेंट एंड दे आर प्रोन टू अनप्रोवोक्ड एंड प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ सफरिंग. बगैर वजह के वो हंसते रहेंगे ये जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये फोटोग्राफ. ठीक है एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो डिलीशन ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 15 एंड इट इज़ फ्रॉम द मैटरनल क्रोमोसोम तो उसको हम क्या कहेंगे एंजेलमैन सिंड्रोम. अगर यही सेम एनामली माइक्रो डिलीशन लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 15 पे हो और पैटर्नल क्रोमोसोम पे फादर के क्रोमोसोम पे हो तो क्या कहेंगे उसको हम प्रैडर वैली सिंड्रोम. अफेक्टेड इंडिविजुअल्स दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोटोनिया ओबेसिटी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हाइपोगोनेडिज्म एंड अनडिसेंडेड टेस्टिस. ठीक है जैसे कि ये आप देख रहे हैं ओबेसिटी अनडिसेंडेड टेस्टिस और हाइपोटोनिया टोनलेस मीन्स मसल्स. नाउ द जीन म्यूटेशंस.
यहाँ आपने देखी है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस में जीन आप कह सकते हैं क्रोमोसोम का फ्रेगमेंट या पीसेज ऑफ जीन्स जो है वो डिटैच हो गए या ब्रेक हो गए। अब जीन म्यूटेशंस म्यूटेशंस क्या होंगे? मैनी कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस इन ह्यूमंस आर इनहेरिटेड एंड सम शो अ क्लियर मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। आप एफएससी में पढ़ चुकी हो या ई लेवल्स में पढ़ चुकी हो मेंडेलियन जो जेनेटिक का लॉ है। मैनी बर्थ डिफेक्ट्स आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ चेंज इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ अ सिंगल जीन हेंस द नेम सिंगल जीन म्यूटेशन। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज एस्टिमेटेड टू अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 8% ऑफ ऑल ह्यूमन मैलफॉर्मेशन। जीन म्यूटेशन की बात की है, क्रोमोसोम एनालिसिस की हमने बात की थी, वो 10% ऑफ ऑल ह्यूमन मैलफॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबल थी क्रोमोसोम क्रोमोसोमल एनालिसिस। और जीन अगर म्यूटेट कर जाए या जीन म्यूटेशन हो जाए तो जितनी भी ह्यूमन एनामलीज एडवर्स होती हैं मेलफॉर्मेशन जो होती हैं ये उसका 8% अकाउंट करती है। विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स इन द मेल जीन्स एग्जिस्ट एज पेयर्स। ठीक है, बाकी तो जीन्स पेयर्स नहीं है वाई एक्स वाई क्रोमोसोम्स के मेल्स में, और इन पेयर्स को हम कहते हैं एलील्स। सो दैट देयर आर टू डोजेज ऑफ ईच जेनेटिक डिटरमिनेंट। ठीक है, दो डोजेज चाहिए होती है कोई भी जेनेटिक किसी भी किस्म की जो एबिलिटी या कोई भी क्वालिटी है उसके लिए हमें दो डोजेज ऑफ जीन्स चाहिए, एक फ्रॉम द पैटर्नल साइड एक फ्रॉम द मैटरनल जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। इफ अ म्यूटेंट जीन प्रोड्यूसेस एन एनामली इन अ सिंगल डोज, अगर सिंगल जीन ही म्यूटेशन हो गई है और उससे एनामली आ गई है ऑफस्प्रिंग में या चिल्ड्रन में डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ अ नॉर्मल एलील, एक एलील जो था वो नॉर्मल था लेकिन दूसरा जो था वो एबनॉर्मल था, उसमें कोई म्यूटेशन हो गई और वो डिजीज एक्सप्रेस हो गई, इसको कहते हैं डोमिनेंट म्यूटेशन। इफ बोथ एलील्स मस्ट बी एबनॉर्मल मीन डबल डोज उसके लिए जरूरी है कि दोनों की एनामली चाहिए। और इफ द म्यूटेशन इज एक्स लिंक्ड इन मेल्स, मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम है और अगर एक्स पे कोई म्यूटेशन हो गई है तो और वो एक्सप्रेस हो गई है वो एनामली, और अगर जहाँ पर दोनों जीन्स दोनों एलील्स या दोनों जो बेयर थे जीन्स के वो दोनों एबनॉर्मल होने चाहिए तो जी डिजीज एक्सप्रेस होगी, तो इसको कहते हैं रिसेसिव म्यूटेशन। ठीक है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव म्यूटेशन। इन सम केसेस म्यूटेशन अकर इन अ सेल एज एन एम्ब्रियो इज डेवलपिंग। इन सम केसेस इफ द म्यूटेशन अकर्स इन सोमैटिक सेल्स द इंडिविजुअल विल हैव मोज़ेक डिजीज। अगर सोमैटिक सेल्स में जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, आम सोमैटिक सेल्स जो है हम उनमें जर्म सेल्स नहीं कह रहे, सोमैटिक सेल्स जो हैं उनमें जो है वो म्यूटेशन हो गई, तो क्या हो गया, अभी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो म्यूटेशन, अब सेल्स तो काफ़ी सारे हैं, कुछ सोमैटिक सेल्स में म्यूटेशन हुई है तो वो जो होगा कुछ सेल्स जो होंगे उनमें वो डिजीज अपीयर्ड है आ गई है और कुछ में नहीं है, तो इसको हम कहेंगे मोज़ेकिज़्म। उसमें ये होगा कि कुछ क्वालिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज, कुछ उसकी क्वालिटीज प्रेजेंट होंगी और कुछ नहीं होंगी। ठीक है, इफ द म्यूटेशन इज इन्वॉल्विंग द सोमैटिक सेल्स, ठीक, तो इसको मोज़ेकिज़्म कहेंगे, कुछ क्वालिटीज हैं डिजीज की और कुछ नहीं है। इन एडिशन टू कॉजिंग कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस म्यूटेशन कैन रिजल्ट इन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कुछ तो कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन थी और कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं कि वो एंजाइम्स को चेंज कर देंगी म्यूटेट कर देंगी, तो क्या होगा, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होगा। अपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा, दीज डिजीजेज अमंग विच फिनाइल कीटोन यूरिया होमोसिस्टीन यूरिया एंड ग्लाइकोसीनिया आर द बेस्ट नोन, या पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री में। ये आज जो थी हमने स्ट्रक्चरल एनामलीज ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट कर ली है, न्यूमेरिकल हमने लास्ट टाइम करनी थी और कुछ जीन म्यूटेशन भी कर ली, तो फिर साथ हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं ओवोजेनेसिस। हमने गैमेटोजेनेसिस का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, तो हम आप स्टार्ट कर लेते हैं साथ ही ओवोजेनेसिस। नाउ गैमेटोजेनेसिस एज यू नो ये रेपिटेशन ये वही, गैमेट्स आर ड्राइव फ्रॉम द प्राइमोडियल जर्म सेल्स, ये हमने सेकेंड लेक्चर में ये बात की थी। गैमेट्स दे आर ड्राइव फ्रॉम द प्राइमोडियल जर्म सेल्स एंड दीज आर फॉर्म्ड इन द एपिब्लास्ट। अब प्राइमोडियल जर्म सेल्स कहाँ फॉर्म होते हैं, दीज आर फॉर्म्ड इन द एपिब्लास्ट ड्यूरिंग द सेकेंड लीव एंड दे मूव टू द वॉल ऑफ द योक सेल। ठीक है, एपिब्लास्ट में ये बनते हैं,
ये आप पढ़ोगे आगे कि जब जाइगोट बनता है फिर उसकी डिवीजन से मल्टी सेलुलर एक मोरूला बनता है, फिर एक एम्ब्रियोनिक डिस्क बनती है। एम्ब्रियोनिक डिस्क जो है वो पहले डबल लेयर्ड होती है, एक ऊपर वाले जो लेयर सेल्स की होती है वो एपिब्लास्ट होती है, नीचे वाले लेयर जो होते हैं सेल्स उनको हाइपोब्लास्ट कहते हैं। जो ऊपर वाले सेल्स होते हैं एपिब्लास्ट होते हैं वो बेसिकली दे आर द सोर्स ऑफ ऑल द थ्री जर्म लेयर्स। तीनों जर्म लेयर्स एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म जो है वो एपिब्लास्ट से बनते हैं। एपिब्लास्ट जो है वही कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। नाउ दोबारा हम आते हैं, गैमेट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स दैट आर फॉर्म्ड इन द एपिब्लास्ट, ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में एम्ब्रियोनिक जर्म डिस्क बनती है बायलामिन। ऊपर वाले जो सेल्स थे वो एपिब्लास्ट थे और वही कुछ सेल्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द योक सैक और उनको हम कहेंगे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ये सेकेंड वीक एम्ब्रियो, थर्ड वीक एम्ब्रियो है, ये पूरी योक सैक है और ये एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया। अब यहाँ पे तो ये बायलामिनल जर्म डिस्क से कहीं आगे बात चली गई है। तो ये इसकी वॉल ऑफ द योक सैक जो है इसमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स रिजाइड करते हैं। यहाँ से ये मूव करते हैं थ्रू द एलोंगाइट्स टू द वॉल ऑफ द बॉडी ऑफ द एम्ब्रियो। अब ये दोबारा हम जाते हैं, गैमेट्स आर ड्राइव फ्रॉम द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स दैट आर फॉर्म इन द एपिब्लास्ट ड्यूरिंग द सेकेंड वीक एंड देन दे मूव टू द वॉल ऑफ द योक सैक। योक सैक में आप ये देखिए, ड्यूरिंग द फोर्थ वीक दीज सेल्स बिगिन टू माइग्रेट फ्रॉम द योक सैक टुवर्ड्स द डेवलपिंग गोनेड्स। ठीक है, अब जो एम्ब्रियो है वो जेनेटिकली मेल है या फीमेल है, जो भी है इनिशियली इनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट ऑफ गोनेड्स होगी जिसमें पता नहीं चलता कि अभी ये मेल है कि फीमेल है। ठीक, ड्यूरिंग द फोर्थ वीक दीज सेल्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द योक सैक ये मूव टुवर्ड्स द डेवलपिंग गोनेड्स। और गोनेड्स कहाँ डेवलप हो रहे होते हैं, वो पोस्टीरियर जो एब्डोमिनल वॉल है डेवलपिंग एम्ब्रियो की, उसका जो मिड लाइन होती है उसकी दोनों साइडों पे गोनेड्स डेवलप होना शुरू होते हैं। ठीक है, ये जो डेवलपिंग ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये योक सेल्स से माइग्रेट करते हैं टू द डेवलपिंग गोनेड्स वेयर दे अराइव बाय द एंड ऑफ द फिफ्थ वीक। ठीक, फोर्थ वीक में इनकी माइग्रेशन स्टार्ट होती है और फिफ्थ वीक के एंड में ये पहुंच जाते हैं डेवलपिंग गोनेड्स। स्टिल उनको नहीं पता कि इस वक्त वो गोनेड्स जो है वो गोनेड्स इनडिफ्रेंशिएटेड स्टेज में। अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स मूव करके वहाँ जाएंगे, ऑब्वियसली दे आर कैरिंग द जेनेटिक मेकअप जिसमें एक्स या वाई क्रोमोसोम्स होंगे और वही अगर डबल एक्स है तो वही आगे से जाके फिर उसको प्रोवोकेट करेगा या फर्दर इन्हांस करेगा या डिफ्रेंशिएट करेगा कि वो जो डेवलपिंग गोनेड्स हैं उन्हें डेवलप होने होंगी। और अगर ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये इनका जेनेटिक मेकअप एक्स वाई है तो वो जो फिर करेंगे इंस्टिगेट करेंगे या स्टार्ट करेंगे जो डेवलपिंग गोनेड्स हैं टू बी डेवलप्ड इनटू टेस्टिस। माइटोटिक डिवीजंस इंक्रीज देयर नंबर ड्यूरिंग देयर माइग्रेशन एंड आल्सो व्हेन दे अराइव इन द गोनेड्स। जिनके नंबर को इंक्रीज कर रही है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के नंबर को जब वो माइग्रेट कर रहे थे फ्रॉम द वॉल ऑफ द योक सैक टू द डेवलपिंग गोनेड्स पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की तरफ। तो इस ड्यूरेशन में ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थे कंटिन्यूस इनकी माइटोसिस हो रही है और इनका नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक, इन प्रेपरेशन फॉर फर्टिलाइजेशन जर्म सेल्स अंडरगो गैमेटोजेनेसिस व्हिच इंक्लूड्स मियोसिस टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड साइटो डिफरेंशिएशन टू कंप्लीट देयर मैच्योरेशन। अब यही जो जर्म सेल्स हैं इन्होंने फर्दर गैमेट्स बनाने हैं वहाँ जाके डेवलपिंग गोनेड में। ठीक है, अगर तो वो डेवलपिंग गोनेड ओवरी था तो वहाँ जाके ये ओसाइट बनाएंगे, अगर जो डेवलपिंग गोनेड जो वो टेस्टिस है तो वहाँ जाके स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। नाउ इन प्रिपरेशन फॉर फर्टिलाइजेशन जर्म सेल्स अंडरगो गैमेटोजेनेसिस व्हिच इंक्लूड मियोसिस टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड साइटो डिफरेंशिएशन टू कंप्लीट देयर मैच्योरेशन। ये हमने पहले भी थोड़ा सा देख लिया, दोबारा आप रीड कर लें। एंड एम्ब्रियो एट द एंड ऑफ द थर्ड वीक उसकी ये फॉर्म होगी एम्ब्रियो। ठीक है, शोइंग द पोजीशन ऑफ प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स इन द वॉल ऑफ द योक सैक क्लोज टू द अटैचमेंट ऑफ द फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड। जहाँ पे ये फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड, ये फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड ही है ये सारी, ये जो कनेक्शन है एम्ब्रियो का विद दिस योक सैक बेसिकली एलोंगाइट्स के करीब होती है ये वाली जो पोर्शन जहाँ पे प्राइमोरियल जर्म सेल इन द वॉल ऑफ द योक सैक जो डेवलप हो।
फ्रॉम दिस लोकेशन दीज सेल्स माइग्रेट टू द डेवलपिंग गोनेड्स वो अलोंग द बैक जो है दोनों साइडों के वर्टिब्रल कॉलम के वहाँ पे मीजोडर्मल थिकन से रिजेस बनती है जस्ट कंडेंसेशन ऑफ मीजेनकाइन या मीजोडर्म मीन्स के जो कनेक्टिव टिश्यू एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू सेल है उसकी कंडेंसेशन हो रही है वहाँ पे ये मीजोडर्मल रिजेस बनी है मीन्स के वो एक एंडोडर्म थी मीजोडर्म थी और एक्टोडर्म थी जो इन दरमियान वाली जो उसकी जर्म लेयर थी मीजोडर्म उनकी कंडेंसेशन या थिकनिंग हो गई है लोकलाइज्ड बाइलेटरली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इस थिकन जो रिजेस थी वहाँ पे ये जाएंगे प्राइमोरियल जर्म सेल्स वहाँ पे जाके ये चेंजेस आएंगे नाउ द ओवोजेनेसिस ओवोजेनेसिस इज द प्रोसेस पहले ओवोजेनेसिस हम पढ़ेंगे फिर स्पर्मेटोजेनेसिस ओवोजेनेसिस बस थोड़ी सी हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे और जो गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हो जाएगा दरवाजा खुद ही खोल के ऊपर आ जाए प्लीज अपना माइक बंद कर दो ओवोजेनेसिस द प्रोसेस वेयर बाय ओवोगोनिया डिफरेंशिएट इनटू मैच्योर ओवोसाइट्स ठीक है ओवोजेनेसिस क्या है दिस इज द प्रोसेस वेयर द ओवोगोनिया डिफरेंशिएट इनटू मैच्योर स्पर्मेटोसाइट्स ओवोगोनिया कहाँ से आए थे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स मैच्योरेशन ऑफ द ओवोसाइट बिगिंस बिफोर बर्थ नाउ प्लीज कंसंट्रेट कि मैच्योरेशन ऑफ ओवोसाइट बिगिंस बिफोर बर्थ वंस अब देखें वंस प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स have arrived in the gonads of a genetic female ठीक है वो जो एम्ब्रियो था अगर वो जेनेटिकली फीमेल था और उसकी जो मीजोडर्मल रिजेस बनी थी वहाँ पे ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जब वहाँ पे पहुँचे अगर वो जेनेटिक फीमेल थी व्हाट विल हैपन दे विल डिफरेंशिएट इनटू ओवोगोनिया ए एंड बी ऑब्वियसली ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है ये भी जेनेटिक मेकअप एक्सेस ही कैरी कर रहे होंगे क्योंकि सेम एम्ब्रियो साइड या एम्ब्रियो ब्लास्ट जो थी एम्ब्रियो ब्लास्ट सेम उसी के सेल्स है जो माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह ये प्राइमोरियल जर्म सेल की एक शेप होगी एक ये आप सेल देख रहे हो उस तरह की होगी तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के अभी हो रही है इसकी डिवाइड कर करके प्राइमोरियल जर्म सेल्स दे विल डिफरेंशिएट इनटू ओवोगोनिया अगर वो जेनेटिक मेकअप उनका एक्सेक्ट है ठीक है ये ओवोगोनिया में ट्रांसफॉर्म होंगे अभी अगली माइटोटिक डिवीजन हम नहीं देख रहे हैं These cells undergo a number of mitotic divisions. These primordial germ cells, by the end of third month, they are arranged in clusters, surrounded by a layer of flat epithelial cells. ये वहाँ पे पहुँच गए हैं developing gonads में. ये जो primordial germ cells हैं, repeated mitotic divisions हुई. By the end of third month, what will happen? They will arrange in clusters, groups में arrange हो जाएंगे, surrounded by layer of flat epithelial cells. Yes. ये डिवाइड कर करके ये क्लस्टर्स बन जाएंगे तो एक जो पूरा ग्रुप या क्लस्टर ऑफ द सेल्स है वो एक ही प्राइमोरियल जर्म सेल्स से डिराइव हुआ है ठीक है जो ओवोगोनिया का पूरा ये एक क्लस्टर बन जाएगा या ग्रुप बन जाएगा वो सारे के सारे एक सिंगल सेल से डिराइव हुआ है डिवाइड बाई माइटोसिस ठीक सेम ही जनरेशन होगी सराउंडेड बाई फ्लैटेंड एपिथीलियल सेल्स ये कब स्टेज हुई है जब प्राइमोरियल जर्म सेल्स पहुंच गए थे डेवलपिंग गोनेड्स वहाँ जाके वो है रिपीटेडली डिवाइड हुए और ओवोगोनिया फॉर्म कर रहे हैं ये देखो ओवोगोनिया ठीक है रिपीटेडली डिवाइड हो के क्लस्टर ऑफ सेल्स फॉर्म कर दिया जिसको सराउंड कर रहे हैं फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स और ये फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स कौन से हैं कहाँ से आए हैं ये डिवेलपिंग जो गोनेड्स था उसकी सरफेस से डिवेलपिंग गोनेड कौन सा था ओवरी थे तो सरफेस एपिथेलियम ऑफ ओवरी से जो सेल्स हैं वो आके इसको सराउंड कर लेंगे ये एक क्लस्टर ऑफ सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिंगल प्राइमोरियल जर्म सेल से डिराइव हुए हैं वापस आ जाए दीज सेल्स दीज प्राइमोरियल जर्म सेल्स अंडरगो अ नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजंस एंड बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ दे आर अरेंज इन क्लस्टर्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स दे आर ऑल ऑफ द ओवोगोनिया इन वन क्लस्टर दे आर प्रोबेबली डिराइव फ्रॉम अ सिंगल सेल ठीक है एक ही प्रोजेनी होती है सारी नस्ल होती है एक ही सेल की जो डिवाइड कर करके एक ग्रुप बनाती है These flattened cells, epithelial cells, known as the follicular cells, they originate from the surface epithelium covering the ovary. ये जैसे आपको मैंने डायग्राम दिखाई है ये ग्रुप ऑफ सेल्स बन गए और उन सारे ग्रुप को एक ग्रुप मल्टीपल ग्रुप्स होंगे उसमें डिवेलपिंग ओवरी में तो जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स है उसमें जो सारे सेल्स हैं वो एक ही सेल से माइटोटिकली डिवाइड होके ये बने और ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है या ग्रुप ऑफ सेल्स है इट इज सराउंडेड बाय फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स जिनको फॉलिकुलर सेल्स कहेंगे एंड दे आर ड्राइव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओवरी द मेजॉरिटी ऑफ द ओवोगोनिया कंटिन्यू टू डिवाइड बाय माइटोसिस ठीक है ये इसी तरह ये नंबर इंक्रीज होता रहता है ओवोगोनिया जो है वो डिवाइड करी जा रही है माइटोसिस से
but some of them arrest their cell division in prophase of meiosis 1 and form the primary oocyte. मेजॉरिटी जो सेल्स हैं प्राइमोरियल जर्म सेल से डिवाइड हो के वो गोनिया बनाई जा रहे हैं लेकिन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की फर्स्ट सॉरी माइटोटिक डिवीजन की जो प्रोफेज है कुछ सेल्स हैं वो गोनिया फर्स्ट डिवीजन जो माइटोटिक डिवीजन है उसकी जो प्रोफेज है उसमें अरेस्ट हो जाएंगे मीन रुक जाएंगे और वो फॉर्म कर देंगे प्राइमरी ओवोसाइट. ठीक है दोबारा पढ़ें. द मेजॉरिटी ऑफ द ओवोगोनिया कंटिन्यू टू डिवाइड बाय द माइटोसिस बट सम ऑफ देम अरेस्ट देयर सेल डिवीजन इन प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 एंड फॉर्म द प्राइमरी ओवोसाइट. ठीक है अब ये प्राइमरी ओवोसाइट बन गए. फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद जो सेल बना है और वहीं पे वो रुक गया है उसको हम कहेंगे प्राइमरी ओवोसाइट. During the next few months, oogonia increase rapidly in number and by the 5th month of prenatal development, the total number of germ cells in the ovary reaches its maximum that is estimated at 7 million. ठीक है? अब ये start हुआ था, हमने few weeks पे start किया था, 4th week पे, 5th week पे कि वो rapidly divide कर रहे हैं primary germ cells. Developing gonads में वो पहुंच के, पीछे से दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं. ये रिपीटेडली ये जो प्राइमोरियल जर्म सेल्स हैं ये वॉल ऑफ द योक सेल से माइग्रेट होंगे टुवर्ड्स द डेवलपिंग गोनेड्स जो अलोंग द बैक. वो ये भी मैं डायग्राम देखूंगी तो वो भी आपको दिखा दूंगी स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी में. तो रिपीटेडली डिवाइड होकर ये डेवलपिंग गोनेड्स में चले जाएंगे एट द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑफ द एम्ब्रियो. वहाँ पर जाके ये फिर डिवाइड करते रहेंगे और फॉर्म करेंगे ओवोगोनिया. ठीक ओवोगोनिया जो है वो अब आपने देखा है कि प्राइमोरियल जर्म सेल से ओवोगोनियम बन गए. ये मल्टीपल ओवोगोनियम बन गए एक ही जगह पे जो डेवलपिंग गोनेड्स हैं. तो एक ही जो प्राइमोरियल जर्म सेल से जो डिराइव हुए हैं उसकी ऑफस्प्रिंग मल्टीपल बाय माइटोसिस जो ओवोगोनियम बने हैं वो एक ही सेल से डिराइव होंगे और दे आर सराउंडेड बाय द फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स जिनको हमने फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स कहा है और वो सरफेस एपिथेलियम ऑफ द ओवरी से ड्राइव कर रहे हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. उसके बाद इनकी डिवीजन इसने बताया कि कंटिन्यू होगी और कंटिन्यू होती जाएगी और सम ऑफ द सेल्स दे मोस्ट ऑफ द सेल्स क्या हुआ है द मेजॉरिटी ऑफ ओवोगोनिया कंटिन्यू टू डिवाइड बाय माइटोसिस बट सम ऑफ देम अरेस्ट देयर सेल डिवीजन इन प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 एंड फॉर्म द प्राइमरी ओवोसाइट. ठीक है जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 मियोसिस 1 जो पहली माइटोटिक डिवीजन हो रही थी उसमें क्या हुआ है कि वो अरेस्ट हो गई उनकी डिवेलपमेंट. उसमें वो एक किस्म का आप कहेंगे कि उनमें एक स्टैटिक सी पोजीशन आ गई है कि वो उसमें रुक गई है उसी स्टेज में वो सेल रुक गया उसको हम प्राइमरी ओवोसाइट कहते हैं. आगे आप पढ़ोगे प्लोटीन स्टेज की. ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ओवोगोनिया इंक्रीज रैपिडली इन नंबर एंड बाय द फिफ्थ मंथ ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट द टोटल नंबर ऑफ जर्म सेल्स इन द ओवरी रीच्ड इट्स मैक्सिमम एस्टिमेटेड एट 7 मिलियन. ठीक है फिफ्थ मंथ पे इनका नंबर इतने रिपीटेडली ये डिवाइड हुए हैं ओवोगोनिया कि 7 मिलियन जिनका नंबर पहुंच गया. एट दिस टाइम सेल डेथ बिगिंस. अब ये जो ओवोगोनिया इतने ज़्यादा हो गए अब साथ साथ इनकी डेथ भी शुरू हो गई है डीजनरेशन भी शुरू हो गई. मैंने ओवोगोनिया एज वेल एज प्राइमरी ओवोसाइट्स डीजनरेट एंड बिकम अट्रैक्टेड. वो फंक्शन नहीं कोई रहता है सही वो फंक्शनलेस हो गए और अट्रैक्टेड मीन्स अरेस्ट में चले गए और वो ख़त्म हो गए destroyed. By the 7 month, the majority of the oogonia have regenerated except for a few near the surface. अब वो जो है वो majority of the oogonia जो है वो degenerate कर रहे हैं. ठीक है death हो गई उनकी dead end. Except for a few near the surface. Surface के नज़दीक थोड़े से रह जाएंगे जो कि active हैं. All surviving primary oocytes अब जो survive कर रहे हैं have entered the prophase of meiosis 1 and most of them are individually surrounded by a layer of latent follicular epithelial cells. अच्छे जाते हैं आपको दिखाते हैं ये नहीं प्राइमरी ओवोसाइट अरेस्ट हो गए इन प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 एंड दे आर सराउंडेड बाय द फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स गोइंग इन फॉलिकुलर सेल्स. अब ये रेस्टिंग प्राइमरी ओवोसाइट जो डिप्लोटीन स्टेज में है ठीक है मियोसिस 1 की प्रोफेज में सराउंडेड बाय द फ्लैटेंड फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स इसको हम प्राइमोरियल फॉलिकल कहेंगे. ठीक है
All surviving primary oocytes now have entered into the prophase of meiosis I, and most of them are individually surrounded by a layer of flat follicular epithelial cells derived from the surface epithelium of ovum. Now maturation of the oocytes continues at puberty. Okay? Near the time of birth, all primary oocytes have separated, started prophase of meiosis I. ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है कि जितने भी प्राइमरी ओवोसाइट्स थे उन्होंने प्रोफेज ऑफ मियोसिस वन जो है स्टार्ट कर, बट इंस्टेड ऑफ प्रोसीडिंग इनटू द मेटाफेज दे एंटर द डिप्लोटीन स्टेज. सारे के सारे जो प्राइमरी ओवोसाइट्स थे, ठीक है, वो डिप्लोटीन स्टेज में चले गए मियोसिस वन में. बजाय ये कि वो मेटाफेज में जाएं, वो इसी में अरेस्ट हो गए और वो डिप्लोटीन स्टेज में चले गए. अरेस्टिंग स्टेज ड्यूरिंग प्रोफेज दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लेसी नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन. Primary oocyte remains rested in prophase and do not finish their first meiotic union before puberty is reached. ठीक है, अब ये देखो, अब कौन सा मंथ था नियर द टाइम ऑफ बर्थ. ठीक है, अभी वो बेबी बॉर्न भी नहीं हुआ, तो उसमें जितने भी प्राइमरी ओवोसाइट्स थे वो सारे अरेस्ट हो गए एट द मियोसिस वन. उसको हम डिप्लोटीन स्टेज में, रेस्टिंग स्टेज में चले गए. अब वो वहीं पर डॉर्मेंट रहेंगे, वो इनएक्टिव होंगे, ऐसे ही रहेंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ. फिर जब प्यूबर्टी आएगी, फिर उनमें से एक कोई सिलेक्ट होगा, वो मेच्योर होगा, वो अपनी मियोसिस वन कंप्लीट करेगा और प्रोफेज में जाएगा, और फिर आगे से मियोसिस टू होगी, और फिर फाइनल जो है ना वो मेच्योर ओवोसाइट बनेगा. ठीक है, और फिर वो फर्टिलाइज करेगा, और हर मंथ इसी तरह एक सिलेक्ट होगा, वो मेच्योर होगा, अपनी डिवीजन कंप्लीट करेगा, और वो मेच्योर ओवोसाइट बनेगा, और फर्टिलाइजेशन होगी उसकी अगर होनी है. ठीक है, और ये इस तरह से थ्रू आउट द लाइफ जब तक फीमेल फर्टाइल रहती है, 40 इयर्स 50 इयर्स जब तक वो रहती है, तो ये जो है वो होता रहेगा तब तक ये ओवोसाइटोसिस, ओवोजेनेसिस, ये जो है, ठीक है, ये ओवोजेनेसिस या क्या कहते हैं इसको, ओवोसाइट की जो फॉर्मेशन होगी फाइनल. Now, near the time of birth, all primary oocytes have started prophase of meiosis I, but instead of proceeding into metaphase, they enter the diploidy stage, a resting stage during prophase that is characterized by a lacy network of chromatin. Primary oocytes remain rested in prophase and do not finish their first meiotic union before puberty is reached. This rested stage is produced by oocyte maturation inhibitor. फैक्टर होता है या पेप्टाइड होती है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ प्रोटीन होता है जो रिलीज होता रहता है या सीक्रेट होता है बाय द फॉलिकुलर सेल्स. ठीक है, तो ये जो है ये इनहिबिट करता है इनको, अरेस्टेड दिस अरेस्टेड स्टेट जो प्रोड्यूस होती है बाय द ओवोसाइट मैच्योरेशन इनहिबिटर, वो ओवोसाइट को मैच्योर नहीं होने देता. ठीक है, इसीलिए वो सारे जो है इस अरेस्टेड फेज में सारे ओवोसाइट पड़े रहते हैं. एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कोई एक ओवोसाइट जो है वो इसमें से सिलेक्ट होगा और वो अपनी ये मियोसिस वन जो है वो अपनी फर्स्ट मियोटिक यूनियन कंप्लीट करेगा, मियोसिस टू में एंटर होगा. ये शुरू में भी एग्जाम मैंने आपको बताया था कि इस तरह से पहले एक पोलर बॉडी बनी थी, फिर दूसरी दफ़ा पोलर बॉडी डिवाइड हुई, वो दो बन गई, और वो जो फर्स्ट जो सेल था वो भी वो जो है डिवाइड होकर पहले एक पोलर बॉडी बनाई है, और फिर नेक्स्ट जो है वो डिवाइड होकर वो एक फाइनल जो है वो अपना मेच्योर ओवोसाइट बनाएगा. The total number of primary oocytes at birth is estimated to vary from 6 lakhs to 8 lakhs. ऐसे ही है ना? The total number of primary oocytes. अब पहले तो हमने पता नहीं millions में पढ़े थे, कितने millions थे वो मुझे नहीं, अब जा पीछे अगर आप जाके दोबारा देखो तो वो दोबारा देखो जी 7 million. The total number of primary oocytes at birth is estimated to vary from 6 million to 8 million, sorry, 6 lakhs to 8 lakhs. During childhood, most oocytes become atrophic. Mostly oocytes are non-functional, only approximately 40,000 are present by the beginning of puberty. ठीक है, अब आप देखो कि at birth कितने थे, और जब प्यूबर्टी स्टार्ट हुई 12 to 13 years या 14 years, उस वक्त उनका नंबर कितना रह गया, 40,000, बाकी सारे वो डिस्ट्रॉय हो गए. दे आर प्रेजेंट बाय द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड फ्यूअर देन 500 विल बी ओव्यूलेटेड. ठीक है, ओव्यूलेशन जब होगी उसमें से मेच्योर ओवोसाइट जो है वो निकलेगा,
और वो जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, और वहाँ से वो अगर तो फर्टिलाइजेशन होगी मैरिड है तो फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन होगी, और अगर नहीं है अनमैरिड है तो वो ऐसे ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो शट अप हो जाएगा. ठीक है. सम ओवोसाइट्स दैट रीच मैच्योरिटी लेट इन लाइफ. अब ये देखें, कुछ तो अर्ली फॉरन प्यूबर्टी हुई, फिर कोई 20 ईयर्स में हुआ, कोई 30 ईयर्स में हुआ. सम ओवोसाइट्स जो ओवुलेशन हो रही है दैट रीच मैच्योरिटी लेट इन लाइफ हैव बीन डोरमेंट in the diploting stage of the first meiotic gamete for 40 years or more before ovulation. ठीक है, ovulation से पहले कि वो 40 years या इस तरह ज़्यादा, मैंने आपको जैसे बताया था maybe 50 years, तो वो arrested रहे हैं अपने diploting stage of first meiotic gamete. तो अब ये जो diploting stage, वैसे तो कहते हैं कि ये एक sterilized stage होती है, एक ऐसी stage होती है कि इस पर किसी किस्म के भी tetrogen या environmental factors या म्यूटेंट्स जो होते हैं, जो म्यूटेशंस कॉज करते हैं या डैमेज जो करते हैं सेल्स को, ये डिप्लोटीन स्टेज बेसिकली प्रोटेक्ट करती है वो साइड को, ये उसमें प्रोटेक्टेड रखती है उस वो साइड को डिप्लोटीन स्टेज में, कि वो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो उसको डैमेज नहीं कर सकते. ठीक है. तो लेकिन गॉड नोज के कुछ भी हो सकता है. आपको कहते हैं कि लेट मैरिजेज या लेट ओल्डर जो मदर होती है जो आफ्टर 40 ईयर्स कंसीव करेगी, तो उसमें एनामलीज के, कंजेनिटल एनामलीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इतने सालों से ये डॉर्मेंट था ओवोसाइट पड़ा हुआ था, कितने सालों के बाद जाके इसकी ओव्यूलेशन हुई है. ये अब कहा जाता है साइंटिफिकली, लेकिन अगर देखा जाए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारी जो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फर्स्ट वाइफ थी हज़रत खदीजा, उनकी तो शादी आफ्टर 40 ईयर्स हुई थी. हमारे प्यारे नबी जो थे वो 25 ईयर्स के थे, और हज़रत खदीजा जो थी रज़ी अल्लाह अन्हो वो 40 ईयर्स की थी. तो इसलिए हम लेकिन अभी तो साइंस यही कहती है कि आफ्टर 40 ईयर्स चांसेस ऑफ एनामलीज जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं. लेकिन एक चीज़ नेचर को कभी भी हम एग्जैक्ट हम उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते. ये चीज़ें कुछ चीज़ें अल्लाह के हाथ में, और वो जो है ना वो कभी भी वो गलत नहीं हो सकती. ठीक है. ये कहा जाता है जैसे जी बेटे मैम, ये इन डोरमेंट सेल्स के ऊपर इमोशनल इफेक्ट भी आता है कोई? डोरमेंट जो है, मैंने आपसे कहा था कि डोरमेंट ये जो डिप्लोटीन स्टेज में गए उन सेल्स की बात कर रहे हैं. यस, जो डिप्लोटीन स्टेज है, जो फर्स्ट मियोटिक ग्रियन के जो ओवोसाइट्स हैं बेटे, इमोशनल मेरा नहीं ख्याल कि इन पे इमोशनल आता है. इमोशनल इफेक्ट तब आता है जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डिप्लोटीन स्टेज एक रेजिस्टेंस स्टेज होती है, जिसमें जो है वो, जो मेरा ख्याल है, वैसे तो साइंटिस्ट पता नहीं क्या क्या रिसर्च करती है, डिप्लोटीन स्टेज एक रेजिस्टेंट स्टेज है, वो कोई भी म्यूटेशन या जेनेटिक या एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो उसको अफेक्ट नहीं कर सकते, रेडिएशन या ये चीज़ें, क्योंकि एक रेजिस्टेंट ही अल्लाह ने एक नेचर में एक चीज़ रखी है कि वो रेजिस्टेंट डॉर्मेंट रहे हैं इसमें, वो एक्टिव नहीं थे और वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से प्रोटेक्टेड था. लेकिन वंस वो एक्टिव हो जाते हैं तो उसके बाद जो आपकी आफ्टर 40 ईयर्स वो वैसे भी फिजियोलॉजी काफ़ी चेंज होनी शुरू हो जाती है. आपके लेवल्स जो हैं डिफरेंट हारमोन्स के, डिफरेंट जो बायोकेमिकल वैसे जो मटीरियल हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, वो भी उनके लेवल्स भी ऑब्वियसली कम हो जाते हैं. तो बाकी जो फैक्टर्स हैं मेरा ख्याल है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं. वंस फर्टिलाइजेशन हो गई है तो उसके बाद बाकी फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं मेरे ख्याल के मुताबिक. लेकिन जैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि जैसे एज ज़्यादा होती जाती है तो उसमें चांसेस ऑफ एनामलीज फिटस में ज़्यादा होती जाती है. तो पता नहीं दोनों चीज़ें मैटर करती होंगी. ओके मैम, ये आज हमने इतना ही करना था. बाकी जो है ये ओव्यूलेशन, क्योंकि ये आपके अलग-अलग लेक्चर्स में दिए हुए थे, तो आज चूँकि सिर्फ स्ट्रक्चर एनामलीज थी तो मैंने स्ट्रक्चर एनामलीज के साथ थोड़ा सा आपको ये भी करवा दिया कि नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, कि थोड़ा सा आपने इसका इंट्रोडक्शन एटलीस्ट करा ही दिया कि प्राइमरी ओवोसाइट जो है वो कहाँ से आया, जो प्राइमोरिया जर्म सेल है उसकी रिपीटेड डिवीजन से एक ही सेल की प्रोजेनी है सारी, जो क्लस्टर्स में अरेंज है, फिर फर्दर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या है कि फर्दर ये जो है एक इंडिविजुअल सेल प्राइमरी ओवोसाइट इज सराउंडेड बाय द फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स जो एपिथीलियम ऑफ द ओवरी से ड्राइव है. ठीक है. और इसको प्राइमोडियल या ओवोसाइट कहते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल कहते हैं. फ्लैटेंड एपिथीलियल सेल्स एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को सराउंड कर रहा है, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो इन डिप्लोटीन स्टेज है. ठीक है. ये थोड़ा सा मैं कह रहा था कि वो जेनेसिस जो है ये ज़रा थोड़ा ट्रिकी है, इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ. बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे,
और आज का लेक्चर हमारा छोटा ही था, 14 मिनट्स का था शायद। मैम और एनी जी बेटा, मैम ऑन कैंपस क्लास में आपने फर्स्ट लेक्चर में एक बात बताई थी कि जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वहीं पे आपका जेंडर डिसाइड हो जाता है। मैम प्लीज आप ये बात एक दफा रिपीट कर दें, मुझे ये समझ नहीं आई। आप इसके इतना इतने इतने क्यूरियस क्यों होगे उसके पीछे? अब आपने देखा ना ये फीटस जो था, चलो और डायग्राम पे जाते हैं। ये वाली डायग्राम थी ना, ये देखो ये फीटस है ना, ये yes. अपनी मदर के यूट्रस में है, ठीक है। तो यहीं पे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं यहीं पे ये जो है डिवाइड होके ये चले गए डेवलपिंग गोनेड्स में, ठीक। डेवलपिंग गोनेड्स में जब गए हैं ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, वहाँ पे जाके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स वो डिवाइड होके बन गए ना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्रोटीन स्टेज में है, अरेस्टेड है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन उनका जेनेटिक मेकअप बन तो गया ना। अब इस बच्चे के अंदर, इस बेबी के अंदर जो वो साइट है, प्राइमरी वो साइट है, वो बेसिकली वो बेबी भी तो अपनी मदर के यूट्रस के अंदर है ना। इस वक्त ये जो इंडिविजुअल बनेगा वो अपनी ग्रैंड पेरेंट जो उसकी ग्रैंड मदर है उसके यूट्रस के अंदर नहीं है। यही जो प्राइमरी ओवोसाइट है कि अपनी कंप्लीट करेगा जब अपनी इस डिप्लोटीन स्टेज से निकलेगा, जब बेबी जब बर्थ होगी इसकी, उसके बाद इसकी मेच्योरिटी जब प्यूबर्टी पे पहुंचेगा, फिर ये प्राइमरी ओवोसाइट जो है वो अपनी कंप्लीट करके मैच्योरेशन सेकेंडरी ओवोसाइट बनेगा और ये ओवुलेशन होगी इसकी और ये उसमें फिलोपियन ट्यूब में जाएगा और मैरिड है तो उसकी फर्टिलाइजेशन होगी। तो बेसिकली तो ये बन गया हुआ था अपनी ग्रैंड मदर की पेरेंट के वो यूट्रस के अंदर ही, ये मैंने कहा था ना। मैम मैंने देखा है कि कुछ डायग्राम से बने होते हैं। नाम भी बता दिया तो मुझे बताइए। आपका नाम क्या है?